हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम बैक विद ब्रिंगिंग अनदर शॉर्ट स्टोरी। और आज की हमारी जो स्टोरी है, नोबडी बिलीव्स अ लायर, कोई भी झूठों पर विश्वास नहीं करता। तो इस स्टोरी को विच इज़ इन इंग्लिश रीड करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करके समझेंगे। लेट्स बिगिन रीडिंग द स्टोरी एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट। वंस अ मिसचीवियस बॉय लिव्ड इन अ विलेज दैट स्टूड इन द फीट ऑफ द हिल। मिस्चीवियस का मतलब होता है शैतान, शैतान लड़का, राइट? मिस्चीवियस बॉय, शैतान लड़का। फीट ऑफ अ हिल मतलब पहाड़ों के नीचे, मतलब पहाड़ों में ही, डाउन साइड ऑफ द माउंटेन। तो एक बार एक बहुत ही शैतान लड़का था गांव के अंदर, जो कि पहाड़ों में ही रहा करता था। वन डे ही थॉट ऑफ हैविंग फन एट द कॉस्ट ऑफ हिज फेलो विलेजर्स। एक दिन उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपने जो गांव वाले हैं, अपने गांव के लोगों से एक प्रैंक खेलेगा, मजाक करेगा उनके साथ में। स्टैंडिंग ऑन अ हाई रॉक, वो एक रॉक पर खड़ा होकर के ही शाउटेड, वो चिल्लाया एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, पूरी आवाज़ में वो चीखा, लायन लायन केम सेव मी, शेर आया बचाओ मुझे बचाओ। द विलेजर हर्ड द शाउट एंड रैन टू हेल्प हिम, गाँव वालों ने उसकी आवाज़ सुनी और उसकी मदद के लिए भागे। बट वैन दे रीच देयर, लेकिन जब वो उसके पास में पहुँचे तो वो क्या देखते हैं, दे कुड सी नो लायन एंड द बॉय वॉज परफेक्टली ऑल राइट। तो वहाँ पर उनको कोई भी शेर दिखाई नहीं दिया और वो जो लड़का था वो पूरी तरह से ठीक था, कुछ नहीं हुआ था वहाँ पर, तो कोई शेर नहीं था। द बॉय लाफ्ड एट द विलेजर्स एंड सेइंग नो लायन, आई डिड इट ओनली फॉर फन। तो लड़का उनकी तरफ देखकर हंसता है और बोलता है कि यहाँ पर तो कोई शेर है ही नहीं, ये तो मैं केवल मजाक कर रहा था। द विलेजर गॉट हाईली अनॉयड एंड केम बैक विद एन एयर ऑफ एंगर, गाँव वालों को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर वापस लौटाए गुस्से में। Few days later, the boy repeated the whole act. अब कुछ दिनों बाद में फिर से उसने वैसे ही रिपीट किया, पहाड़ी पे गया और ज़ोर से चिल्लाया, शेर आया शेर आया। Again the villager went to his rescue. Rescue का मतलब होता है बचाव करना, rescue. But were duped again. अब फिर से गांव वाले उसकी मदद के लिए भागे उसको बचाने के लिए, लेकिन फिर से उन्हें वही धोखा मिला, फिर से उन्हें लज्जित होना पड़ा। नाउ दे डिसाइडेड नॉट टू बी फूल्ड बाय हिम एनी मोर, अब उन सभी ने ये डिसाइड किया कि अब वो मूर्ख नहीं बनेंगे उसके द्वारा। अनफॉर्चुनेटली वन डे द लायन रियली केम देयर, और दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से, अचानक से एक दिन शेर आ गया। नाउ द बॉय शाउटेड, अब वो लड़का चिल्लाया लायन लायन एज लाउड एज ही कुड, अब वो जितना जोर से चिल्ला सकता था, शेर आया शेर आया। बट नोबडी केम टू हेल्प हिम आउट, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ सुनकर उसे बचाने नहीं आया। द लायन अटैक द बॉय, लायन ने उस लड़के पर अटैक किया। द बॉय स्ट्रगल्ड हार्ड टू सेव हिमसेल्फ बट विद इन फ्यू मिनट्स द बीस्ट किल्ड हिम, तो उसने लड़के पर अटैक किया और लड़के ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में शेर ने उस पर हमला करके उसको मार दिया। सो वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर, तो जो एक बार झूठ बोलता है वो हमेशा झूठ बोल सकता है। तो अगर एक बार हम झूठे साबित हो जाते हैं तो हम अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना विश्वास खो देते हैं। Therefore, it is said, once a liar, always a liar. So that's the end of the short little beautiful story. Hope that कि इस स्टोरी से आपने कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी आपकी इंग्लिश लर्निंग के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और शेयर करो उसे विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हेल्प करो उनकी ऐसे ही स्टोरी रीडिंग करके उनकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। और ऐसे ही आगे रीडिंग वीडियोस देखने के लिए, स्टोरी रीडिंग वीडियोस देखने के लिए और भी इंग्लिश रिलेटेड मोर यूजफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो आई विल सी यू लेटर ब्रिंगिंग अनदर स्टोरी, टिल देन वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।